कांग्रेस की खूंखार श्रेणी प्रियंका गांधी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा में मची खलबली तो जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। दरअसल आपको बताया चले कि प्रियंका गांधी ने आज एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस महासचिवों एवं राज्य के प्रभारियों के साथ बैठक में सदस्यता अभियान एवं जनता के मुद्दों पर आंदोलन की चर्चा पर अपने विचार रखे, जिसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जमकर ट्वीट किए। इसी कड़ी में सुनील पटेल नाम से ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार और हर इंसान को वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का गरीब या अमीर को ना देखकर उस फरियादी को न्याय दिलवा सके और उसको न्याय दिलवाने में मदद कर सके, हमें उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर होगी और हमेशा रहेगी। वहीं मनोज गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस को जमीनी स्तर पर उतरकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी, तभी कार्यकर्ता पार्टी को वापस मजबूती प्रदान कर हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से कांग्रेस का परचम लहराएंगे। वास्तविकता यही है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं देती है। वहीं मुजाहिद हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जमीनी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे और जो पदाधिकारी है वे हर 6 महीने में उनके कार्य की समीक्षा की जाए। इसके अलावा करण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भारत की श्रेणी, आपसे निवेदन है कि गांव के हर वोट पर 4 लोगों की टीम बनाया जाए, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष नियुक्ति किया जाए, तब भारत में परिवर्तन होगा। जय कांग्रेस, जय प्रियंका। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।